सत श्री अकाल दोस्तों, किवें हो, की हाल चाल है जी। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की पोस्टा थोड़ा पता है कि सितंबर 30 तो पहला आ जानिया ने। कड़िया पोस्टा तो पी टी आई दोस्टा की गल करता पाया है। पंजाब एजुकेशन सिस्टम के पहली बार यानी इतिहास के पहली बार हो जा रहा है कि जो पी टी आई दोस्टा ने वो प्राइमरी स्तर पर आनिया ने, है ना। पहला टीचरी लैवल से तो जरूर आदि रही, लेकिन प्राइमरी स्तर पर पहली बार आनिया ने। तो 23 जून 2023 में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो तैयार कर दिता गया है सरकार वालों, शोध हो चुकी है जी, ठीक है। तो इतने लिखा भी पंजाब स्टेट एलीमेंट्री एजुकेशन फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी पी टी आई सर्विस नेमली, यानी रूल बना दिती गए है। तो की रूल हो सकते हैं, देखो दोस्तों, ये सी लैवल की ही पोस्ट होगी, ठीक है। सी लैवल की पोस्ट होगी, याद रखना है। हुण की निजम ने सरकार के हाथ में पूरा होगा कि पोस्टा बढ़ा भी सके घटा भी सके, लेकिन पोस्टा दे उस तो फिर भी कहूँगा घट ने, क्योंकि कई स्कूल ने मनिया जा रहा है कि हर 5 किलोमीटर के अंदर एक दो स्कूल प्राइमरी मिल ही जाते हैं, है ना, जिथे जनसंख्या वध होवे। तो कुल मिला के स्कूलों की गिणती ज़्यादा आ, तो टीचर्स जोड़े रखे जाने घट ने। तो मेरे ख्याल से एक एक टीचर नू 2 या 3 स्कूल तो दिते जा सकते हैं। वैसे भी एक मिसलेनियस सबजैक्ट है, एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के आता है, हालांकि कंपलसरी सबजैक्ट है, लेकिन हफ्ते 2 दिन ही पीरियड होंगे मेरे ख्याल से। आई थिंक 1 या 2 या 3 स्कूल किसी एक टीचर को दिए जा सकते हैं जो भर्ती मुकम्मल होनी है, ठीक है। क्योंकि काम तो सारना ही है सरकार ने, क्योंकि स्कूलों की गिणती ज़्यादा आ, टीचर जोड़े रखे जाने वो घट ने, ठीक है। तो यह ना सोच के चलो कि अगे रिक्रूटमेंट नहीं आऊगी, पक्का आऊगी जी इन्होंने पोस्टा की ही। हुण गल कर लैंदे आ जी अपना जो मेन मुद्दे की गल है, रिटन टैसट होना है। 3 नंबर पॉइंट के पढ़ो, मेन मुद्दे की गल करते हैं जी। 3 नंबर पॉइंट तुम पढ़ोगे तो ये बाकायदा लिखा है कि नो परसन शैल बी अपॉइंटड टू द सर्विस बाय वे ऑफ डायरैक्ट अपॉइंटमेंट अनलैस ही क्वालीफाइज द रिटन एंड फिजिकल एलिजिबिलिटी टैसट। मतलब टोटल साफ कर दिता है कि भाई एलिजिबिलिटी तो असी बना दी है, लेकिन यदा मतलब यह नहीं कि डिग्री बेस से थानू नौकरी मिल जाएगी, वो पहला हों, ठीक है। तो यह मतलब यह है कि डिग्री बेस से कोई नौकरी नहीं थोड़ा मिलनी, जो नौकरी मिलनी है वो तो रिटन एग्जाम पास करना पैना है जी। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी टैसट भी होना है, वो प्रैक्टिकल हो सकता है, प्रैक्टिकल टैसट हो सकता है, जो कि टाइम टू टाइम मतलब कह सकते हैं कि गवर्नमेंट थानू इंस्ट्रक्ट कर दूगी वो बारे, ठीक है। तो टाइम लग सकता है इन पोस्टा भरन के लिए, लेकिन यह जरूर है कि फिजिकल एजुकेशन पोस्टा जड़िया प्राइमरी लैवल पर आनियाँ पहली बार आनिया ने, ओके ओके। रिटन एग्जाम भी है तो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट सॉरी ये भी है, ठीक है। और अगे किया गया है कि इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है ये रखा जाना जी, ठीक है। चौथा पॉइंट पर हो गया, देयर विल बी नो वाइवा वर्क और इंटरव्यू, ठीक है। अगे दोस्तों देख लें पे स्केल, पे स्केल जड़ा है वही ईटीटी कैडर वाला, ठीक है। ईटीटी कैडर वाला मिलता है 29,200 रुपया, तो 2,000 पोस्टा ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नाल पे स्केल भी थानू जाणू करवा दिता जी। तो डायरैक्ट रिक्रूट अपॉइंटमेंट है 100% हले तक, क्योंकि हले प्रमोशन इतने कुछ नहीं है, ठीक है। डायरैक्ट रिक्रूटमेंट है, तो पहली बार ये पोस्टा घड़िया गई ने मतलब सरकार वालों, कांग्रेस सरकार की देन है परती, लेकिन चलो आम आदमी पार्टी हुण अपना नंबर चलाएगी ये उत्ते। लेकिन गल इतने भी हैगी कि यार काम होना चाहिए, रुजगार मिलना चाहिए जनता ने, तो सिर्फ यही मतलब है ना। हुण एलिजिबिलिटी बारे गल कर लें, सब तो पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है कि शुड प्रोसैस ग्रैजुएशन फ्रॉम रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी, थोड़े को ग्रैजुएशन होनी चाहिए। और अगला पॉइंट लिखा है शुड प्रोसैस टू ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। मतलब कुल मिला के दोस्तों इतने यही कि ग्रैजुएशन प्लस थोड़े को 2 साल का फिजिकल एजुकेशन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए है, ठीक है, रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी के या इंस्टीट्यूशन तो। अगला पॉइंट यह है कि अगर थोड़े को एलिजिबिलिटी नहीं है, ग्रैजुएशन नहीं है, या फिर अपना 2 साल का फिजिकल एजुकेशन का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं है, तो फिर थोड़े को ए वाला सिस्टम चल सकता है, शुड प्रोसैस 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन आफ्टर प्लस टू एग्जामीनेशन। मतलब 12वीं तो बाद थोड़े को BPED का कोर्स होना चाहिए है, वही मतलब होगा, है ना। प्लस टू तो बाद थोड़े को BPED का कोर्स अगर हैगा तो उसी एलिजिबल मने जाओगे। तो दोस्तों ये मैं पूरा नोटिफिकेशन पढ़िया, टैट की कोई लोड़ नहीं है, जो कि लोग संभावना जता रहे सी, मैं भी जता रहा सी, हो सकता टैट फर्स्ट पेपर एप्लीकेबल कर दिता जाए, तो नहीं वो नहीं चाहिए, ओके। तो BPED का कोर्स भी है तभी तुम अप्लाई कर सकते हो। तीसरा जो मेन पॉइंट है दोस्तों इतने लिखा है कि थोड़े को
शुड प्रोसेस बैचलर डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट इन 3 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स। मतलब अगर थोड़े कोल फिजिकल एजुकेशन ग्रेजुएशन दे विच सी 3 साल एक सब्जेक्ट दे रूप विच, है ना, जिवें जनरल बीए कोई कर लैंदा आ ते हिस्ट्री पोलिटिकल जां किसे ने फिजिकल एजुकेशन रखी हुंदी आ इलेक्टिव सब्जेक्ट दे विच अपने, ते ओह वी बंदा भर सकदा। लेकिन इत्थे कंडीशन होर भी रखी है कि उस कोल जिहड़ा सर्टिफिकेट है बकायदा एक होना चाहिदा, 1 साल का डिप्लोमा, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन दे विच तां ओह अप्लाई कर सकदा है। अगला पॉइंट मैनूं इत्थे कोई समझ नहीं आया लेकिन जिन्ना आया बाकी इन्नी एलिजिबिलिटी, 3 पॉइंट मैं समझा दिंदा आ। लेकिन दोस्तों इत्थे हुण एक गल होर है कि अपना की कहिंदे भाई उहनूं चेता भुल गया, हाँ सी लैवल दी पोस्ट है ते ग्रुप सी दे विच आउंदी है ते पंजाबी दा टेस्ट भी इत्थे होणा आ, ठीक है, रिटन एग्जाम दे नाल नाल जो अपने सब्जेक्ट दा एग्जाम होना है फिजिकल इंस्ट्रक्टर फिजिकल टीचर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर सॉरी पीटीआई वास्ते ट्रेनिंग बोला जाएगा टी फुल फॉर्म। ओके तो मैं ही कहना चाहुंदा हां कि पंजाबी दा एग्जाम भी पेपर ए जिहनूं कहा जा रहा है जनरल पंजाबी, ठीक है, तो उहदा एग्जाम भी होना है, व्याकरण वगैरह अपने पढ़ते रहो, एक क्वालीफाइंग एग्जाम होना है, ताही तुहाडा जिहड़ा रिटन एग्जाम वाला चैक होना है, तो इहनूं सीरीयसली लैना है तुसीं, ठीक है। मैं हुणे कह दिंदा क्योंकि सी लैवल की पोस्ट होने जा रही है, ईटीटी कैडर जिन्ना पे स्केल मिलना है सी लैवल की पोस्ट है, सी लैवल जिन्नी पोस्टा आनगियां सरकार ने पहला ही कह दिता है कि वो पंजाबी का पेपर भी कड़िया जाना है, ठीक है, तो वो तैयारी भी तुम करते रहना। बाकी धन्यवाद, कोई होर जानकारी पोस्टा संबंधी आऊगी तो जरूर दसांगे, बाकी नोटिफिकेशन PDF किसी चाहिए होगा तो जरूर मंग लेना, ठीक है। अगर मेरे तो कुछ पढ़ने के कोई गलती हो गई हो मैं वो भी तुम दस देना है क्योंकि डेमोक्रेटिक वे दस सकते हो, बाकी माड़ा चंगा बोलोगे तो फिर भोगोगे, है ना। शुक्रिया।